नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल साक्षीज वंडर वर्ल्ड में। तो मुझे रिकॉर्ड करके ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ आसपास इतना ज़्यादा शोर हो रहा है कि मेरी वीडियो बार बार ख़राब हो रही थी, इसलिए मुझे लगा कि मैं ऐसे ही बना देती हूँ, वही ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और मेरा माइक भी ख़राब हो गया है एक्चुअली। एनीवेज, आज की वीडियो में हम दिखाने वाले हैं प्यारा सा व्लॉग जिसमें हम बताएंगे कि हमने क्या क्या शॉपिंग की है, मैंने क्या क्या ख़रीदा, क्या क्या मैं लेकर आई हूँ। तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले मैं अपनी बहन के साथ निकल गई विजयनगर की साइड। विजयनगर की नहीं, हमें जाना था MR 9। तो हमने विजयनगर पे रुकते ही सबसे पहले यहाँ पे पानी पूरी पी, मतलब खाई, सॉरी मैं पीना ही बोलती हूँ इसको हमेशा, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी थी और मुझे पानी और पूरी बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। फिर बस खाकर हम निकल गए आगे की ओर, जहाँ पे ये हमें माता का मंदिर मिलता है, ये काली माता का मंदिर है। फिर हम आगे बढ़े और हम बाय वॉक ही जा रहे थे क्योंकि उससे ज़्यादा दूर नहीं है MR 9 से विजयनगर। तो हम MR 9 तक पैदल चल के जा रहे थे और सामने देखो हमें वो उस साइड का जो दिख रहा है आगे वाला, वो वेस्ट साइड का शोरूम है वहाँ पे, और काफ़ी अच्छा है वो। तो हमें रास्ते में ही टाइटन वर्ल्ड का शोरूम दिखा जहाँ से हमें वॉच लेनी थी। तो मेरी बहन ही मेरी कैमरा गर्ल बनी हुई थी, तो वो मेरी वीडियो बनाती जा रही थी। एक्चुअली मैंने ही उससे बोला था कि हर चीज़ की वीडियो बनाना। तो हम आगे बढ़े और हमें बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। एक्चुअली हमें आदत नहीं है ऐसे वीडियो बनाने की, इसलिए मैं बोलती नहीं हूँ। फिर हम अंदर गए तो हमें काफ़ी सारी वॉच पसंद आई और मैंने एक वॉच उनसे बोला कि ये दिखाने को, पर भाई ये बहुत ज़्यादा महंगी थी। ये आई थिंक 8,000 से 9,000 के बीच में थी, हमारा इतना ज़्यादा भी बजट नहीं था। तो फिर उन्होंने हमें अलग जगह से और दिखाई। तो एक्चुअली जो टाइटन की वॉच थी, जो शोरूम से हम लेते हैं ना, उनमें और ऑनलाइन प्राइस में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। हमें ऑनलाइन में मोस्टली 2 से 2.5-3 हज़ार तक की मिल जाती हैं, लेकिन शोरूम में ऐसा नहीं था। हमें 5,000 से नीचे की वॉच ही नहीं मिल रही थी। फिर हमने फास्ट ट्रैक की वॉच पसंद की और ये बहुत बहुत ज़्यादा प्रिटी थी, और ऑनलाइन से तो हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल गई। तो हमने यहाँ से लिया और हमें एक फ्री गिफ्ट भी मिला यहाँ से। तो बस हमारी यहाँ से इतनी ही शॉपिंग होनी थी। हमने ये 3,500 की वॉच पड़ी है। और फिर हम जूडियो चले गए, और जूडियो में आपको सबको पता है आई थिंक कि इनके फुटवेयर्स काफ़ी अच्छे होते हैं, मतलब डिज़ाइंस भी काफ़ी सही रहती हैं, ट्रेंडी रहती हैं और काफ़ी मजबूत भी रहते हैं, चल जाते हैं बहुत टाइम तक। हमें ज़्यादा कुछ नहीं लेना था तो हमने कपड़े देखने शुरू कर दिए। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें, ये वाला मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था एक्चुअली। मुझे ऐसे बेतुकी डिज़ाइन वाले कपड़े मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, पर मैंने वो नहीं लिया और मैंने ड्रेसेस देखना शुरू कर दी। एक्चुअली ड्रेसेस लेने का मन इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं पहले भी ले जा चुकी हूँ, और ना इनकी कोई नई नई थी ड्रेस, मतलब जैसे वो मैंने पिछले साल देखी थी उसी तरीके की डिज़ाइंस थी, और मेरे पास एक है भी इस तरीके में, तो मैंने फिर नहीं ली। और फिर मेरी बहन ने जीन्स लिया एक, वो काफ़ी अच्छा था, आई थिंक क्वालिटी भी उसकी अच्छी थी, टॉप भी कुछ कुछ काफ़ी ठीक थे, एंड टी शर्ट्स में बहुत अच्छी वैरायटीज थी। मतलब आजकल जिस तरीके के प्रिंट्स चल रहे हैं, बड़े बड़े एंड फंकी टाइप के, उस तरीके के प्रिंट्स थे। आपको अगर चाहिए तो आप जाके विजिट कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ 299 में थे वो। कलर्स भी काफ़ी सारे थे, फंकी से कलर थे, वाइब्रेंट से, मतलब समर वाली टोटल वाइब्स देने वाले। और फिर मैंने कुछ ऐसे ड्रेसेस देखे डेनिम्स के, वो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, और ये वाली ड्रेस मेरे को अच्छी लग रही थी, लेकिन फिर मुझे याद आया कि इस तरीके की मेरे पास है जो मैंने H&M से ली थी। और फिर मैंने ये टॉप देखा जो मुझे बहुत 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 पसंद आ गया एक ही बार में। एक्चुअली इसकी डिज़ाइन थोड़ी हॉल्टर नेक टाइप की थी, लेकिन वो पूरा हॉल्टर नेक भी नहीं था, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आई थिंक आपको भी पसंद आ रहा होगा। ये मैंने बाद में वीडियो के बाद में दिखाया भी है सामने से कि ये किस तरीके का आया है। तो ये इसमें ये कलर भी था एक वाइट, लेकिन मुझे वही ज़्यादा पसंद आया, लेवेंडर। एट लास्ट मुझे ये वाली ड्रेस पहनने का बिल्कुल मन नहीं हुआ, तो फिर हमने ये दोनों चीज़ें ली, और ये वाले भैया ने ना मुझे वीडियो बनाने को मना कर दिया। पता नहीं यार इन लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है, मुझे बड़ा बुरा लगा, पर ठीक है कोई बात नहीं। फिर हम अपने घर के साइड आ गए जहाँ पे ये गन्ने का जूस मिल रहा था, जो कि आई थिंक गर्मियों में सबको पसंद है, एंड दैट्स ऑल। तो ये था हमारा प्यारा सा ब्लॉग जो कि आई थिंक आपको पसंद आया होगा। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या गिफ्ट लेके आई हूँ, मतलब मुझे क्या गिफ्ट मिला है फास्ट ट्रैक से, मतलब टाइटन से, फास्ट ट्रैक की जो वॉच ली थी हमने उसके साथ। तो ये प्यारा सा चाम वाला ब्रेसलेट हमें मिला था जिसमें इतनी प्यारी सी बटरफ्लाई देखो यहाँ पे लटक रही है, और ये इसकी क्वालिटी ना बहुत अच्छी थी, मतलब नॉर्मल हम जो खरीदते हैं ना उनसे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी।
तो ये मुझे बहुत 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 पसंद आया। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू लेट यू नो कि ऑनलाइन खरीदने से ज़्यादा हम अगर शॉप में जाके खरीदते हैं तो क्वालिटी हमें बहुत 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 अच्छी मिलती है। आप खुद देख सकते हो, इस तरीके की गिफ्ट्स भी हमें मिल जाते हैं। देन जो मैं टॉप लेके आई थी वो दिखाने वाली हूँ, और ये कितना क्यूट सा है, मतलब इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। और मैंने ये देखो यहाँ पर एम साइज़ खरीदा था, आई थिंक अगर मैं एस भी खरीदती तो चल जाता, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रेचेबल है और ये बहुत अच्छा है, और सिर्फ 499 में था। और भी सारी चीज़ें ऐसी ही थी वहाँ पे, ज़्यादा कॉस्टली नहीं था कुछ। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ ब्लॉग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्यार करते रहिए, प्यार बांटते रहिए, खुद से भी प्यार करिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टिल द नेक्स्ट टाइम एंड बाय बाय।